हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मेरा एक ना मानना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, हो सकता है आपका कुछ और मानना हो, वो ये कि ऑफ लेटली मार्वल और डीसी ना मेरे को वो मूवी नहीं दे पाए जो जिसे कहते हैं ना, जिसको देख के मतलब एक्साइटमेंट आ जाए। उसके साथ यार कुछ तो बड़ा खतरा है जिसको इस तरीके का सुपर ह्यूमन को रोकना है, और ये जो सुपर ह्यूमन है इससे मैं थोड़ा सा दिल लगा दूँ, मैं इमोशनल कनेक्शन मेरा फील हो रहा है इसके साथ। इस तरीके की जो मूवी है ना वो मेरे को मिली नहीं है, चाहे वो वकैंडा फॉर एवर ही क्यों ना हो। वकैंडा फॉर एवर में आप एक जज्बे से प्यार कर लेते हैं लेकिन वो कैरेक्टर आपको आसपास दिखता नहीं है, तो वो आपको लगता है कि मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ, मैं इसकी परछाई किसी और में देख के खुश हो रहा हूँ कि शायद शी विल पास ऑन, शी इज टेकिंग द बेटन फॉरवर्ड। बट शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड के अंदर अमेजिंग मुझे अभी ट्रेलर देखने को मिला, जिसके अंदर इसके अंदर पावर्स ही पावर्स हैं और इसको चैलेंज करने आ जाती हैं कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस, और जो गॉड्स आते हैं और वो पूरा वर्ल्ड तबाह करना चाहते हैं, इनको बचाना है। सबसे बड़ी दुविधा फिर से वही है कि ये एक्चुअली में बच्चे हैं लेकिन जिनके पास मैजिकल पावर्स है, जिसके बाद ये शज़ाम बोलते ही सुपर ह्यूमंस बन जाते हैं। क्या ये रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे? ट्रेलर हमें एक हिंट देता है कि शायद जितने भी बिली और उसके जो फ्रेंड्स हैं एक एक करके टारगेट होके नॉर्मल होते चले जा रहे हैं, उनसे मैजिक निकाल दिया जाता है, लेकिन बिली एंड में कैसे रोकेगा, इंक्लूडिंग वो जो मैजिकल सा एक क्रीचर सा दिखाया जाता है, कैसे वो लड़ेगा और बचाएगा, कैसे ये बच्चे मैच्योरिटी दिखाएंगे। बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, टीनेजर्स को, इवन कॉलेज गोइंग लोगों को, बड़ों को, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लग रही है, तो काफी एक्साइटिंग होना चाहिए मामला। और जिस तरीके के VFX हैं, जो जिसको सिंपल रखा गया है, ऐसे नहीं कि इतना VFX कर दिया, इतना कुछ कर दिया कि मतलब हाथ ही नहीं आ रही है चीज़। देखो ये ट्रांसफॉर्मर्स से भी ये दिक्कत रहती है कि समझ नहीं आ रहा वो क्या रहा है, बट यहाँ पर बड़ा क्लियर है 1 vs 1 कैसे ये इंसान विल राइज अप टू द ओकेजन और फ्यूरी ऑफ गॉड्स को कैसे रोकेगा या समझा देगा कि वाई सच पावर ऑफ शज़ाम शुड एग्जिस्ट ऑन अर्थ, और क्या कुछ खतरे हैं अर्थ के ऊपर जिसके लिए इसको ये पावर रखनी है। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज गॉड का नाम लूज यूज किया गया, गॉड को इवेंचुअली ये गलत रूप में तो नहीं दिखाएंगे, एक समझौता होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये ट्रेलर आउटस्टैंडिंग है। बिल्डिंग्स में किस तरीके से टूट पज हो रही है, किस तरीके से शज़ाम बोलते हुए निकलते हुए बिली उस क्रीचर को मार रहा होता है, और एक फिर एक स्टैंड लेगा, अपने दोस्तों के लिए आगे खड़ा होगा, ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा होगा, बिल्कुल सुपरमैन वाली फील आ गई। इसका DNA जो है वो बड़ा सुपरमैन वाला है, वो सुपरमैन खड़ा होता है जैसे सबके लिए, वैसा वाला मुझे DNA लगा। और कहीं ना कहीं इमोशंस भी हैं, वल्नरेबिलिटी भी हैं, तो काफी फीलिंग्स इस ट्रेलर से जो है उत्पन्न हो गई हैं, जिसकी वजह से इसको मैं जरूर देखूंगा जब ये मार्च में आएगी। आप भी देखो ये ट्रेलर, आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।